सैलानी बाबा 786 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुरान की आयत सूरह फतह के बारे में बताया जाएगा, और वो भी हिंदी में। दोस्तों, ये सूरह मदनी है, इसमें 29 आयतें हैं। दोस्तों, फतह का अर्थ होता है विजय, और इसकी प्रथम आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजय की शुभ सूचना दी गई है, इसलिए इसका यह नाम रखा गया है। इसमें विजय की शुभ सूचना देते हुए आप तथा आपके साथियों के लिए उन पुरस्कारों की चर्चा की गई है जो इस विजय के द्वारा प्राप्त हुए। साथ ही मुनाफिकों तथा मुशरिकों को चेतावनी दी गई कि उनके बुरे दिन आ गए हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत वचन को अल्लाह के हाथ पर वचन कहकर आपके पद को बताया गया है, तथा इसमें मुनाफिकों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं निकले और अपने धन परिवार की चिंता में रह गए, चेतावनी दी गई है, और जो विवश थे उन्हें निर्दोष करार दिया गया है। इसमें ईमान वालों को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने को तैयार हो गए, अल्लाह की प्रसन्नता की शुभ सूचना दी गई है और बताया गया है कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा तथा उनकी सहायता होगी। इसमें बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदे हराम में प्रवेश का जो सपना देखा है वह सच्चा है और वह पूरा होगा। आपको ऐसे साथी मिल गए हैं जिनका चित्र तौरात और इंजील में देखा जा सकता है। यह सूरह जिकादा के महीने सन 6 हिजरी में हुदैबिया से वापसी के समय हुदैबिया तथा मदीना के बीच उतरी। सही है बुखारी नंबर 4833 में लिखा है, 2 वर्ष बाद मक्का विजय हो गया और अल्लाह ने आपके स्वप्न को सच कर दिया। हुदैबिया की संधि मदीना हिजरत के पश्चात मक्का के मुशरिकों ने मस्जिदे हराम काबा पर अधिकार कर लिया और मुसलमानों को हज तथा उमरा करने से रोक दिया। अब तक मुसलमानों और काफिरों के बीच 3 युद्ध हो चुके थे कि सन 6 हिजी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सपना देखा कि आप मस्जिदे हराम में प्रवेश कर गए वरी सासे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरे का ऐलान कर दिया और अपने 1400 साथियों के साथ 1 जिकादा सन 6 हिजरी को मक्का की ओर चल दिए। मदीना से 6 मील जाकर जुलहुलैफा में एहराम बांधा और कुर्बानी के पशु साथ लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 22 किलोमीटर दूर हुदैबिया तक पहुंच गए तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को मक्का भेजा कि हम उमरा के लिए आए हैं। मक्का वासियों ने उनका आदर किया, किंतु इसके लिए तैयार नहीं हुए कि नबी अपने साथियों के साथ मक्का में प्रवेश करें। इस विवाद के कारण उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की वापसी में कुछ देर हो गई, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब बलपूर्वक ही मक्का में प्रवेश करना पड़ेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से जिहाद के लिए बैत वचन ली। इस ऐतिहासिक वचन को बैत रिजवान के नाम से याद किया जाता है। जब मक्का वासियों को इसकी सूचना मिली तो वह संधि के लिए तैयार हो गए और संधि के लिए कुछ प्रतिनिधि भेजे, और निम्नलिखित बातों पर संधि हुई। मुसलमान आगामी वर्ष आकर उमरा करेंगे, वह अपने साथ केवल तलवार लाएंगे जो मियान में होगी, वह केवल 3 दिन मक्का में रहेंगे, मुसलमान और उनके बीच 10 वर्ष युद्ध विराम रहेगा, मक्का का कोई व्यक्ति मदीना जाए तो उसे वापस करना होगा, किंतु यदि कोई मुसलमान काफिर बनकर मक्का आए तो वे उसे वापस नहीं करेंगे। हरम के आसपास के कबीले जिस पक्ष के साथ चाहें हो जाए, और उन पर वही दायित्व होगा जो उनके पक्ष पर होगा। यदि इन कबीलों में किसी ने दूसरे पक्ष के किसी कबीले के साथ अत्याचार किया तो इसे संधि भंग माना जाएगा। यह संधि मुसलमानों ने बहुत दबकर की थी, मगर इससे उन्हें 2 बड़े लाभ प्राप्त हुए। मस्जिदे हराम में प्रवेश की राह खुल गई, इस्लाम और मुसलमानों पर आक्रमण की स्थिति समाप्त हो गई, जिससे इस्लाम के प्रचार प्रसार की बाधा दूर हो गई और इस्लाम तेजी से फैलने लगा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वासियों के संधिभंग कर देने के कारण सन 10 हिजरी में मक्का विजय किया, तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की संख्या 10,000 थी, और मक्का की विजय के साथ ही
पूरे मक्कावासी तथा आसपास के कबीले मुसलमान हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग ही में सारे अरब मुसलमान हो गए। इसीलिए कुरान में हुदैबिया की संधि को कहा है फतहे मुबीन, यानी कि खुली विजय। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक हमने तुम्हें खुली फतह दे दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और तुम्हें जबरदस्त मदद अता करे। वही है जिसने मोमिनों के दिल में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान के साथ उनका ईमान और बढ़ जाए। और आसमानों और जमीन की फौजें अल्लाह ही की हैं और अल्लाह जानने वाला हिकमत तत्वदर्शिता वाला है, ताकि अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा रहेंगे, और ताकि उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे, और यह अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है, और ताकि अल्लाह मुनाफिक सापाखंडी मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के साथ बुरे गुमान रखते थे। बुराई की गर्दिश उन्हीं पर है और उन पर अल्लाह का गजब हुआ और उन पर उसने लानत की और उनके लिए उसने जहन्नम तैयार कर रखी है और वह बहुत बुरा ठिकाना है। और आसमानों और जमीन की फौजें अल्लाह ही की हैं और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत तत्वदर्शिता वाला है। बेशक हमने तुम्हें गवाही देने वाला और बशारत शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताजीम सम्मान करो और तुम अल्लाह की तस्बीह करो सुबह शाम। जो लोग तुमसे बैत प्रतिज्ञा करते हैं वे दरहकीकत अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है, फिर जो शख्स उसे तोड़ेगा उसके तोड़ने का वाल उसी पर पड़ेगा, और जो शख्स उस अहद वचन को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है तो अल्लाह उसे बड़ा अज अता फरमाएगा। जो देहाती पीछे रह गए वे अब तुमसे कहेंगे कि हमें हमारे अमवाल धन संपत्ति और हमारे बाल बच्चों ने मशगूल रखा, बस आप हमारे लिए माफी की दुआ फरमाए। यह अपनी जबानों से वह बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। तुम कहो कि कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार रखता हो अगर वह तुम्हें कोई नुकसान या नफा पहुंचाना चाहे, बल्कि अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम कर रहे हो। बल्कि तुमने यह गुमान किया कि रसूल और मोमिनीन कभी अपने घर वालों की तरफ लौटकर ना आएंगे, और यह ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला नजर आया और तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम बर्बाद होने वाले लोग हो गए। और जो ईमान न लाया अल्लाह पर और उसके रसूल पर, तो हमने ऐसे मुनकिरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है, वह जिसे चाहे बच लो और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। जब तुम गनीमतें लेने के लिए चलोगे तो पीछे रह जाने वाले लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। वे चाहते हैं कि अल्लाह की बात को बदल दे। कहो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही यह फरमा चुका है। तो वे कहेंगे बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो। बल्कि यही लोग बहुत कम समझते हैं। पीछे रहने वाले देहातियों से कहो कि अनकरीब तुम ऐसे लोगों की तरफ बुलाए जाओगे जो बड़े जोरावर हैं, तुम उनसे लड़ोगे या वे इस्लाम लाएंगे। बस अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अज देगा, और अगर तुम रूगरदानी अवहेलना करोगे जैसा कि तुम इससे पहले रूगरदानी कर चुके हो, तो वह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। न अंधे पर कोई गुनाह है और न लंगड़े पर कोई गुनाह है और न बीमार पर कोई गुनाह है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत आज्ञा पालन करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो शख्स रूगरदानी करेगा उसे वह दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया जबकि वे तुमसे दरख्त के नीचे बैत प्रतिज्ञा कर रहे थे। अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, बस उसने उन पर सकीनत शांति नाजिल फरमाई और उन्हें इनाम में एक करीबी फतह दे दी और बहुत सी गनीमतें भी जिन्हें वे हासिल करेंगे।
और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत तत्वदर्शिता वाला है, और अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम लोगे, बस यह उसने तुम्हें फेरी तौर पर दे दिया और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि अहले ईमान के लिए यह एक निशानी बन जाए और ताकि वह तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए। और एक फतह और भी है जिस पर तुम अभी कादिर नहीं हुए, अल्लाह ने उसका इहाता आच्छादन कर रखा है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर ये मुमकिन लोग तुमसे लड़ते तो जरूर पीठ फेर कर भागते, फिर वे न कोई हिमायती पाते और न मददगार। यह अल्लाह की सुन्नत तरीका है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली न पाओगे, और वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, बाद इसके कि तुम्हें उन पर काबू दे दिया था। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी रोके रखा कि वे अपनी जगह पर न पहुंचे। और अगर मक्का में बहुत से मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिन्हें तुम लाइलमी में पीस डालते, फिर उनके सबब तुम पर बेखबरी में इल्जाम आता, ताकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे। और अगर वे लोग अलग हो गए होते तो उनमें जो मुनकिर थे उन्हें हम दर्दनाक सजा देते, जब इनकार करने वालों ने अपने दिलों में हमीयत हट पैदा की, जाहिलियत की हमीयत। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से सकीनत शांति नाजिल फरमाई अपने रसूल पर और ईमान वालों पर, और अल्लाह ने उन्हें तकवा ईश्वरायणता की बात पर जमाए रखा, और वे उसके ज्यादा हकदार और उसके अहल थे, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। बेशक अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया जो वाकग्या के अनुसार है। बेशक अल्लाह ने चाहा तो तुम मस्जिद हराम में जरूर दाखिल होगे, अमन के साथ बाल मूंढते हुए अपने सुरों पर और कतरते हुए, तुम्हें कोई अंदेशा न होगा। बस अल्लाह ने वह बात जानी जो तुमने नहीं जानी, बस इससे पहले उसने एक फतह विजय दे दी, और अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीने हक के साथ भेजा ताकि वह इसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे। और अल्लाह काफी गवाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वे मुनकिरों पर सख्त हैं और आपस में मेहरबान हैं। तुम उन्हें रुकू में और सजदे में देखोगे, वे अल्लाह का फजल और उसकी रिझामंदी की तलब में लगे रहते हैं। उनकी निशानी उनके चेहरों पर है सजदे के असर से। उनकी यह मिसाल तौरात में है, और इंजील में उनकी मिसाल यह है कि जैसे खेती उसने अपना अंकुर निकाला, फिर उसे मजबूत किया, फिर वह और मोटा हुआ, फिर अपने तने पर खड़ा हो गया। वह किसानों को भला लगता है ताकि उनसे मुनकिरों को जलाए। उनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ने उनसे माफी का और बड़े सवाब का वादा किया है। तो मेरे दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में कुरान की आयत सुरह फतेह के बारे में जाना है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्ट के साथ वीडियोज लाता रहूं। आप हमारे चैनल सैलानी बाबा 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।